हमने क्या करना है इसके लिए, हम जो है मेथड यूज करेंगे bx प्लस c वाला, तो दैट वी विल फॉलो. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13. सो द स्टेटमेंट वी आर हैविंग इज 2 अपॉन 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. सेम 2 अपॉन 1 माइनस x इंटू 1 प्लस x स्क्वायर इसको हमने लिया. नाउ वी विल पुट दिस इक्वल टू ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस, क्योंकि ये हमारा फर्दर फैक्टराइजेबल नहीं है, तो प्लस बी एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में आप इसको लेके चलेंगे. सो दिस विल बी ए अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर. नाउ टेक द एलसीएम, कंपेयर द कोफिशिएंट्स एंड गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड देन सिंप्लीफाई. सो दिस विल बी ए इंटू क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू 1 माइनस एक्स. सो व्हेनेवर द डिनोमिनेटर इज हैविंग अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन व्हिच इज नॉट फर्दर फैक्टराइजेबल, तो आपने ऊपर लीनियर फॉर्म में उसको लेके चलना है. सो दिस विल बी बी एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब हम जो है कंपेयर करेंगे कॉफिशियंट्स को आफ्टर टेकिंग द एलसीएम. सो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट लिख देती हूँ. सो दिस स्टेप आई हैव कंप्लीटेड. सो ये और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. सो वी विल बी लेफ्ट विद 2 इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस सी एक्स. यहाँ पे भी इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो, ए प्लस एक्स स्क्वायर. अब देखो यहाँ पे आप इनको कंपेयर कर लोगे, जो आपका फर्स्ट वाला बनेगा अगर मैं देख के चलूँ तो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है कि जो है यहाँ मेरा ए प्लस सी इक्वल टू 0. कॉन्स्टेंट्स वाली टर्म्स ले ली, ए प्लस सी इक्वल टू 2. एक इक्वेशन मेरी ये बन गई. एंड देन द सेकेंड इक्वेशन मेरी क्या बनी, ए एक्स स्क्वायर वाली मैं ले लेती हूँ. सो दिस विल बी ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, यानी कि ए और बी की जो मेरी वैल्यूज आएंगी वो सेम आएंगी. सो यहाँ से हो गया ए इक्वल टू बी. अब एक्स वाली ले लो, एक्स वाली है बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि बी और सी भी सेम हो गए. तो ए बी के इक्वल, बी सी के इक्वल, यानी कि तीनों की वैल्यूज आपकी इक्वल हो जाएंगी. तो यहाँ से अगर आप लेके चलो ए प्लस सी इक्वल टू 2 है, और यहाँ से अगर मैं लेके चलूँ ए बी के इक्वल बी सी के इक्वल, यानी कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी. तो यहाँ मैं ए को सी से या सी को ए से रिप्लेस कर दूंगी, तो 2a इज इक्वल टू 2, यानी कि ए इज इक्वल टू 1. ए 1 आया तो इट मीन्स बी और सी की भी आपकी वैल्यू 1 आ गई. तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी ऑल इक्वल टू 1. अब हमने ये चीज पुट की थी, यहाँ पे हम वैल्यूज रिप्लेस करेंगे. सो वी विल बी हैविंग 2 अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू ए की जगह 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस बी की जगह 1 एक्स प्लस सी की जगह 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो इंटेग्रल ले लेंगे. नाउ अगेन यू आर टू रीराइट दिस, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस दिस इज एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटेग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स. यहाँ आपका डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ आपका डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा. इसको आप चाहो तो माइनस एक्स माइनस 1 लेके लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 लिख सकते हो विद नेगेटिव साइन. अगर नेगेटिव नहीं कॉमन लेना देन ऑल्सो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का जब आप इंटेग्रल लेके चलोगे दैट इज लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 1 माइनस एक्स. और क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्स है तो उसके डेरिवेटिव से आप डिवाइड करोगे, यानी कि माइनस 1 से आप डिवाइड कर दोगे. तो ये दोनों आपके डायरेक्ट हो जाएंगे. दिस वन यू विल गो विद द सब्स्टिट्यूशन मेथड. 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लोगे तो एक्स डी एक्स जो है वो हाफ ऑफ डी टी आ जाएगा एंड देन यू विल प्रोसीड. तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13. सो सॉल्यूशन जो है इसका कंप्लीट यू विल डू योरसेल्फ. नाउ मूविंग ऑन टू 14th, अगेन यू विल डू योरसेल्फ. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 में इफ यू सी तो वी आर हैविंग एक्स टू द पावर 4 माइनस 1.
अपॉन में हमें गिवन है, तो एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 को आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, दिस इज 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1। तो एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 को मैं रीराइट कर लूंगी, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमारा फर्दर डिफरेंशिएबल जो है फैक्टराइजेबल है, सो दिस विल बी 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब तीन फैक्टर्स मेरे यहाँ पे बन रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो है 3 फैक्टर्स के फॉर्म में इसको लिखेंगे, सो वी विल बी हैविंग दिस एज 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर दैट इज एक्स प्लस 1 प्लस। अब क्योंकि ये वाला फैक्टर आपका जो है वो फर्दर फैक्टराइजेबल नहीं है, तो इसको हम लिख लेंगे सी एक्स प्लस बी लीनियर फॉर्म अपॉन दैट क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो सी एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। आगे जो जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करते हो इन द सेम वे यू विल सिंप्लीफाई दिस एंड यू विल गेट योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन वी आर हैविंग, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, जब इस फॉर्म में आप इसको ले लोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की फॉर्म में भी अगर लेके चलते हो, तो यू कैन यूज द फॉर्मूला 1 अपॉन वाला, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, तो दैट इज योर विश कि आप इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखना, ये अभी तक जितने हमने क्वेश्चन किए हैं उससे अलग फॉर्म है। जब आपको इस तरह का क्वेश्चन गिवन है एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन ब्रैकेट में है विद सम कांस्टेंट जो उसमें ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आपने क्या करना है एक्स टू द पावर एन जो भी गिवन है यानी कि एन की जो भी वैल्यू आपको गिवन है उससे 1 वैल्यू लेस, यानी कि जैसे मुझे यहाँ पे एक्स टू द पावर एन गिवन है तो 1 लेस करूंगी, मीन्स एक्स टू द पावर एन माइनस 1 से आपने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 16, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन प्लस 1। तो एक्स की पावर यहाँ पे एन है, हमने 1 लेस पावर यानी कि एक्स टू द पावर एन माइनस 1 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है। सो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई एक्स टू द पावर एन माइनस 1, सो वी विल बी हैविंग एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, सो वी आर हैविंग एक्स टू द पावर एन माइनस 1 इनटू जीरो। अब ये मेरी फॉर्म क्या रही हो गई, एक्स टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर एन इनटू एक्स टू द पावर एन। अब से ऊपर जो है न्यूमरेटर है इसका डेरिवेटिव बन रहा है, तो एक्स टू द पावर एन को हम चेंज कर लेंगे, तो जब मैं ये रिप्लेसमेंट करूंगी एक्स टू द पावर एन माइनस 1 इंटू डी एक्स को 1 बाई एन डी टी से, 1 बाई एन कॉन्स्टेंट मैंने बाहर ले लिया, तो आई एम लेफ्ट विद ये हो गया आपका डी टी 1 अपॉन एक्स टू द पावर एन की जगह टी और यहाँ पे टी प्लस 1। तो ये आपके पास फैक्टर्स आ गए, तो यू विल पुट दिस इक्वल टू ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस 1 एंड सेम पार्शियल फ्रैक्शन आप लगाएंगे एंड देन यू विल सिंप्लीफाई। सेम वे में इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 में यू आर गिवन 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक्स की पावर 4 है यानी कि पावर 1 लेस, यानी कि एक्स क्यूब से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे। तो चाहे ये आपका एन की फॉर्म में गिवन है, चाहे यहाँ पे कोई नंबर गिवन है, आपकी कोई वैल्यू गिवन है, उसको 1 लेस कर दो, एन को 1 लेस किया था एन माइनस 1, 4 को 1 लेस करोगे तो यू विल बी हैविंग एक्स क्यूब। तो यहाँ पे आप एक्स क्यूब से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करोगे, तो यू विल बी हैविंग एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4 एंड एक्स टू द पावर 4 माइनस 1। यहाँ पे प्लस हो रहा था, यहाँ पे माइनस कॉन्स्टेंट हो रहा है, तो चाहे प्लस हो रहा है चाहे माइनस हो रहा है, अगर एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन वाली फॉर्म बन रही है तो यू आर टू
डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो क्वेश्चन 20 जो है दैट वी विल डू योरसेल्फ, 16th और 20 क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल सेम है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में वी आर गिवन cos x अपॉन 1 माइनस sin x एंड 2 माइनस sin x। अब 1 माइनस sin x और 2 माइनस sin x अगर मैं डिनोमिनेटर में देखूं तो साइन का जो है मेरे पास ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है बिकॉज यू आर गिवन कॉस एक्स अपॉन, तो हम साइन को पुट कर लेंगे यहाँ पे। तो दिस इज 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स। अब यहाँ ध्यान देना है आपने कि आप ना अकेले 1 माइनस साइन एक्स को पुट करो ना अकेले 2 माइनस साइन एक्स को पुट करो। यहाँ वैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है 1 माइनस साइन को अगर आप टी पुट करोगे तो 2 को यहाँ पे 1 प्लस 1 लिख सकते हो, तो उस केस में वो आपका 1 प्लस टी बन जाएगा। अदरवाइज अगर इस तरीके से गिवन है तो हम क्या करेंगे साइन एक्स को टी पुट कर लेंगे, साइन एक्स टी यानी कि कॉस एक्स डी एक्स आ गया आपका डी टी। तो ये कॉस एक्स डी एक्स आपका रिप्लेस हो जाएगा विद डी टी, सो वी विल बी हैविंग 1 अपॉन 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी। सो 1 माइनस टी और 2 माइनस टी अब आपके पास आ गया सेम पार्शियल फ्रैक्शन, दिस इज इक्वल टू ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर, क्योंकि फैक्टर्स आपके सिंपल फॉर्म में है। सो यू विल अगेन कम्प्लीट दिस क्वेश्चन, आई एम जस्ट गिविंग यू द हिंट्स। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका, उसमें देखो आपको क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो जब आपको इस तरह का क्वेश्चन गिवन है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर सेम है, तो अगेन यू विल गो फॉर द डिवीजन मेथड। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो ये फॉर्म आपकी बन गई वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 अपॉन, इंटेग्रल का साइन मत लेना यहाँ पे, अदरवाइज फिर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा जब आप पुट करते हो, y प्लस 1 अपॉन y प्लस 2 y प्लस 3 अपॉन y प्लस 4। तो मैंने विदाउट इंटेग्रल इसको रिप्लेस कर दिया। ये मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कर रही हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब इन द न्यूमरेटर आई एम हैविंग y स्क्वायर प्लस 3 y प्लस 2 एंड इन द डिनोमिनेटर आई एम हैविंग y स्क्वायर प्लस 7 y प्लस 12। दोनों की पावर्स सेम है तो वी विल गो फॉर द डिवीजन मेथड। तो 1 पे ये आपका डिवाइड हो जाएगा, सो रिमाइंडर बच गया मेरे पास माइनस 4y माइनस 10। अब इसको मैं y की फॉर्म में ही रीराइट करूंगी, तो y की फॉर्म में ही जब हम इसको रीराइट करेंगे तो दिस विल बी ये सेम चीज इज इक्वल टू 1, ये नेगेटिव साइन मैंने कॉमन ले लिया, 4y प्लस 10 रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अगेन रिप्लेसमेंट कर लेनी है, y को रिप्लेस कर लेना है x स्क्वायर से, सो आई विल बी हैविंग 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 10 अपॉन में y प्लस 3 इंटू y प्लस 4 से मुझे ये मिला था y स्क्वायर प्लस 7 y प्लस 12, तो इसको मैंने फिर से इस फॉर्म में लिख लिया x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4। तो जहां पे भी आपको इस तरीके से स्टेटमेंट गिवन है x स्क्वायर के टर्म्स में गिवन है, अगर आप इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हो तो x टू दी पावर 4 में वो जाके बनेगा। तो अपनी कैलकुलेशंस को सिंपल रखने के लिए विदाउट इंटेग्रल साइन हम एक्स स्क्वायर को वाई पुट करेंगे, अगर हम इंटेग्रल साइन ले लेते तो हमें फिर अदरवाइज वो dx को भी रिप्लेस करना पड़ता, तो हम विदाउट इंटेग्रल इसको y प्लस 1 अपॉन y प्लस 2 y प्लस 3 अपॉन y इनटू y प्लस 4 ले रहे हैं, देन इनको मल्टीप्लाई करके दोनों हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई, डिवाइड कर दिया। डिवाइड के बाद जिस फॉर्म में हम लिखते हैं क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, उस फॉर्म में लिखने के बाद फिर आप वाई को दोबारा से एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दोगे। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 दोनों जो फॉर्म्स हैं आपकी वो फर्दर फैक्टराइजेबल नहीं है, तो जब आप इनको इस वाले को सॉल्व करोगे, यहाँ तो आपको डायरेक्ट इंटेग्रल मिल जाएगा तो यू विल गो फॉर द डायरेक्ट इंटेग्रल ओवर हियर, यहाँ जब आप इसको सॉल्व करोगे
फर्स्ट फैक्टर, क्योंकि आपका ये नॉन फैक्टराइजेबल है और क्वाड्रेटिक है, तो दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय ax प्लस बी, और जो आपका सेकंड वाला है दैट विल बी रिटन एज cx प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि दोनों आपके जो है क्वाड्रेटिक गिवन है और फर्दर फैक्टराइजेबल नहीं है। जब दो फैक्टर्स ऐसे हैं तो दोनों के दोनों को आपने इस फॉर्म में लिखना है, लीनियर अपॉन दैट जो आपका फर्दर फैक्टराइजेबल नहीं है फैक्टर दैट। तो इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लोगे, ए और ए बी सी डी की वैल्यूज आप निकाल लोगे एंड देन यू विल गेट योर आंसर। सो दिस अगेन यू आर टू कंप्लीट योरसेल्फ, सेम वे में करना है आपने, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स लेके करोगे। यहाँ पे क्यूबिक जो है आपकी वो टर्म्स जीरो होंगी, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने करवाया था, आपके पास इक्वेशंस बन जाएंगी ए बी सी डी के फॉर्म में एंड देन यू विल प्रोसीड। ए और सी की वैल्यूज आपकी यहाँ पे जीरो आएंगी और बी और डी की वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंट आप लेके चलेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में डिनोमिनेटर में यू आर हैविंग एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव है, तो एक्स स्क्वायर को आप टी से रिप्लेस कर लोगे तो ऊपर आपका डेरिवेटिव डी टी से चेंज हो जाएगा। सो अगेन दिस यू विल डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 20 ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में वी आर हैविंग 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स माइनस 1, तो फाइंड द इंटीग्रल ऑफ दिस। तो जब ई टू द पावर एक्स वाला आ जाता है आपके पास, तो ई टू द पावर एक्स को हम टी लेके चलते हैं, तो पुट ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू टी, तो ई टू द पावर एक्स डीएक्स इज इक्वल टू डीटी। अब मुझे सिर्फ dx की वैल्यू चाहिए, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन e टू द पावर x dt, बट जब मैं t की फॉर्म में ले रही हूँ इसको तो मैं x साथ में नहीं रखूंगी और अगेन e टू द पावर x किससे इक्वल है t के, तो इसको मैं रिप्लेस कर दूंगी t से, यानी कि dx आपका रिप्लेस होगा 1 अपॉन t से। सो दिस विल बी 1 अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 t माइनस 1 बन जाएगा और डी एक्स की जगह 1 अपॉन टी इंटू डी टी। अब यहाँ ध्यान देना है ये 1 अपॉन टी जो है दैट इज नॉट अ कॉन्स्टेंट, तो इसको बाहर नहीं लिखना है आपने, तो दिस विल बिकम 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस 1। अब ये सिंपल ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर एंड देन यू विल प्रोसीड। सो दिस वॉज योर एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन 22 एंड 23 अगेन सिंपल है दैट यू विल डू योर सेल्फ। सो इन दिस एक्सरसाइज इफ एनी डाउट इज देयर, सो यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क योर डाउट, अदरवाइज वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट। So I hope no doubts are there. So integration by parts we are starting with. बीच में से कई एक्सरसाइजेस आपकी डिलीटेड भी हैं, so that I will tell कि कौन कौन सी आपने नहीं करनी है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमारे पास जो है प्रोडक्ट ऑफ जो है फंक्शंस हमें गिवन होगा, u इंटू v की फॉर्म में हमें गिवन होगा, तो वी आर टू सिंप्लीफाई दैट। सो फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन इन प्रोडक्ट फॉर्म विद सम वेरिएबल वी विल बी गिवन, तो इसका जो आपका फॉर्मूला है, अगेन डेरिवेशन जो है दैट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, सो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला ही करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का जो इंटीग्रल है दैट इज इक्वल टू द फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट वाला जो फंक्शन होता है आपका वो आप एज इट इज लेके चलते हो, और फिर हम इसके साथ क्या लेके चलते हैं, इंटेग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन, देन माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। अगर ये एक्स की फॉर्म में है जैसे, तो डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा यहाँ पे, इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये वाला dx जो है वो इस वाले इंटेग्रल साइन का लगा है, इस वाले इंटेग्रल साइन का dx विल बी दिस। सो व्हेन यू आर टू फाइंड आउट द इंटेग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, देन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आपने लेके चलनी है,
सेकेंड फंक्शन का इंटेग्रल माइनस इंटेग्रल ऑफ द डिफरेंशियल ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटेग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जब हमें प्रोडक्ट गिवन होता है, क्योंकि प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव है आपका, तो किसी भी एक फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन या सेकेंड फंक्शन ले सकते हो। तो उसके लिए जो हमने चूज करना होता है, फॉर दैट वी यूज आइलेट। जैसे इनका ऑर्डर है सेम ऑर्डर में, अगर जो है लॉग वाला फंक्शन आपका पहले आ रहा है, इनवर्स वाला बाद में आ रहा है, तो ऑर्डर आपने इस वे में लेना है। पहले आपका आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए फॉर एलजेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई फॉर एक्सपोनेंट। फाइव टाइप्स ये हैं हमारी। अब इसमें आपने ध्यान रखना है कि एक इनवर्स फंक्शन के साथ, मान लो अगर इन चारों में से कोई आपका फंक्शन यूज साथ में एज अ सेकेंड फंक्शन आपको गिवन है, तो जो इनवर्स वाला है आपने उसको फर्स्ट फंक्शन लेके चलना है, बाकी जो टाइप गिवन है दैट विल बी योर सेकेंड फंक्शन। इन केस अगर मुझे लॉगरिथमिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन को मैं फर्स्ट फंक्शन लूंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मैं सेकेंड फंक्शन लूंगी। यानी कि जिस सीक्वेंस में ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस सीक्वेंस में जो पहले आ रहा है दैट विल बी टेकन एज द फर्स्ट फंक्शन, जो बाद में आ रहा है दैट विल बी टेकन एज द सेकेंड फंक्शन। तो ये आपको जो है फॉर्मूला करना है इसका, दैट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में टू फंक्शंस का प्रोडक्ट आपको गिवन होगा, यू आर टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ दैट। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट फंक्शन उसका लेना है जिसका आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, और मोस्टली हम जो है देख के पता लग जाता है कि इसका जो डेरिवेटिव है वो समहाउ इसके साथ कैंसिल आउट हो रहा होता है इसके इंटेग्रल के साथ, या मतलब उसको जो है आप और सिंप्लीफाइड फॉर्म में फिर लिख सकते हो। तो ये रूल आपने फॉलो करना है आइलेट का, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर एलजेब्रिक, टी ट्रिग्नोमेट्रिक and E is for exponent. So now moving on to the questions of this exercise. So इसके questions जब आप करोगे तो you will see कि आपके लिए काफी easy जो है होंगे. So first question, we are having x into sin x. अब x जो है देखो that is a algebraic function, और sin x जो है that is a trigonometric function. तो आईलेट का जब मैं देखूंगी, इनवर्स लॉगरिथमिक एल्जेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, एल्जेब्रा पहले आ रहा है ट्रिग्नो से, तो इट मींस दिस विल बी माय फर्स्ट फंक्शन जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एंड दिस विल बी माय सेकंड फंक्शन। अब मुझे फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, so first function as it is, integral of the second function. अब integral of second function में second function is sin x, इसका जब आप integral लोगे तो that is minus cos x. अब मैं पहले formula लिख देती हूँ, minus integral of derivative of the first function into integral of the second function. so यहाँ ध्यान रखना है dx आपका दो बार आएगा। अब जब हम फर्स्ट फंक्शन जो है फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, तो x एज इट इज आएगा, साइन x का इंटेग्रल जो है दैट इज माइनस कॉस x, तो साइन x का इंटेग्रल आप माइनस कॉस x ले लेंगे यहाँ पे। देन इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, एंड 1 इंटू इंटेग्रल ऑफ साइन x इज माइनस कॉस x, तो ये 1 इंटू इसका इंटेग्रल माइनस कॉस x, 1 इंटू माइनस कॉस x इज माइनस कॉस x, सो दिस इज माइनस x कॉस x माइनस इंटू माइनस प्लस। अब कॉस का इंटेग्रल इज साइन, एंड कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c आपने लगाना ही लगाना है, सो दिस विल बी माइनस x कॉस x प्लस साइन x प्लस। सेम वे में योर क्वेश्चन नंबर 2 इज देयर, उसमें x इंटू साइन 3x है, सो अगेन यू विल सी कि जो आपका x है दैट विल बी ट्रीटेड एज द फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि एल्जेब्रिक है,
एंड जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दैट विल बी, क्योंकि अलजेब्रा जो है वो टी से पहले आ रहा है ए, तो इसलिए अलजेब्रिक फंक्शन को हमने फर्स्ट फंक्शन लिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमने सेकंड फंक्शन लिया है, बाकी कंसेप्ट आपका सेम है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटेग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन। अब यहाँ पे इंटेग्रल लेते हुए आपने ध्यान रखना है कि साइन 3x है, तो साइन का डेरिवेटिव वैसे माइनस कॉस एक्स होता है, बट क्योंकि यहाँ पे एक्स की जगह 3x है तो डिवाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ 3x यानी कि डिवाइड बाई 3 आप करेंगे, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटेग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन इंटू डी। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, सो यू विल बी हैविंग एक्स एज इट इज, साइन 3x का डेरिवेटिव माइनस कॉस 3x बाय डेरिवेटिव ऑफ 3x दैट इज 3, देन माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन 3x दैट इज माइनस कॉस 3x बाय 3 dx। सो ये सिंप्लीफाई करके हो जाएगा आपका माइनस एक्स कॉस 3x बाय 3 या 1 बाय 3 आप स्टार्टिंग में भी ले सकते हैं, और इसका साइन 3x अपॉन एक 3 ये वाला एक इसका डेरिवेटिव, तो दिस विल बी 9 प्लस सी, सो दिस विल बी योर आंसर। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में वी आर हैविंग एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स। अब यहाँ ध्यान दो, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स में एक्स स्क्वायर जो है दैट इज द एलजेब्रिक फंक्शन, ई टू द पावर एक्स जो है दैट इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ए पहले आ रहा है ई से, तो अगेन एक्स स्क्वायर विल बी योर फर्स्ट टर्म और बाकी जो है दैट विल बी द सेकेंड टर्म, सो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन ले लिया और e टू द पावर एक्स को सेकेंड फंक्शन लिया, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटेग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन, e टू द पावर एक्स का इंटेग्रल यू नो दैट इज e टू द पावर एक्स, उसके बाद माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x इंटू इंटेग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन e टू द पावर एक्स dx। तो यहाँ आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द फॉर्मूला, सो ये मेरा बन गया एक्स स्क्वायर, e टू द पावर एक्स का इंटेग्रल इज अगेन e टू द पावर एक्स, तो ये एज इट इज आ गया। यहाँ पे अब ध्यान दो, दिस इज 2x इंटू ई टू द पावर एक्स, अब 2 अगर मैं बाहर ले लेती हूँ तो x इंटू ई टू द पावर एक्स जो है दैट इज फर्दर जो है आप इसको इंटीग्रेट करोगे बाय पार्ट्स, ए फर्स्ट फंक्शन एंड ई टू द पावर एक्स सेकेंड फंक्शन, तो इसको करके यू विल सिंप्लीफाई एंड यू विल गेट योर आंसर, सो दिस यू विल कंप्लीट योर सेल्फ। यहाँ ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2 एज इट इज रहेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटेग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स इज ई टू द पावर एक्स माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 ई टू द पावर एक्स का इंटेग्रल ई टू द पावर एक्स। अब इसको फिर से जब आप इंटीग्रेट करोगे माइनस इंटेग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स इज अगेन ई टू द पावर एक्स, सिंप्लीफाई एंड गेट योर आंसर, सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 7.6। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन फॉर दिस वी विल डू टूमोरो, If any doubt is there from this lecture, you can ask for the doubt. Just stay for 1 minute. Let me take your attendance. If any doubt is there, you can unmute yourself and ask your doubt. Otherwise, I am ending the meeting as the bell has gone. So. Okay, fine then. Thank you. Have a nice day.